हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सूरज खिल गया है और सुबह हो गई है। मजा आ गया भाई अभी कियान को नियर लाने का। तो यहाँ पे किंजल उठ चुकी है। किंजल गुड मॉर्निंग। चुकी हूँ मैं तो। हाँ लेकिन तो 8 बज गए। हाँ, तो किंजल हाँ मेरा लेट हो गया। कल रात को काम था मेरा, नाश्ता हो गया। चकली कहाँ गई? चकली जो यहाँ पे उठते उठते चली गई वहाँ पे। चलिए बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में भाकरी पे। और पापा बवनी फिर वो सो ले। वाह भाई वाह, मारी जेम से आपने बिहार क्या जाई था। दूध नहीं बहुत बहुणी बहुत मोटी रे ले मुश्किल बता रहे। देखो साइकिल लेके हमार पापा साइकिल लेके दूध लेने चले। ऐसा है भाई। ओ पापा ते जय सोम नारायण। जय सोम नारायण। भाई के 9 बज चुके हैं और यहाँ पे माँ दिख रहा थोड़ा दूधम दूधी हो रही है। दूधम दूधी और यहाँ पर भी दूधम दूधी चल रही है। पहले शीरा बनाया। हाँ पहले शीरम शीरा चले फिर दूधम दूधी चल रही है। चल रहा है अभी तो। और अभी मैं जा रहा हूँ सावरकुंडला। मैं और मेरे पापा पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं सावरकुंडला। वहाँ पे मेरी मम्मी है, उनके मोटा बा वो गुजर गए है। तो आज उनका बेसणा सब है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्रे कीजिए। थोड़ा कुंडला जाके आते है। और रिंकू के लिए ऐसा झारा लेने का है। तो रिंकू तारा आवाज झारो जो ने લાકડું નહી ઝાડો ને ઢીચણીઓ આ બે લેતા છે બરાબર। બીજું કઈ લાવવું છે? હીરોઈન કી તરહ। तो चलिए चलते हैं। अभी हमारे लाभू भैया है, उनके बेटे के घर। थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ लेके आए हैं, वो देखे जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मामा के घर। तो 12:15 बजने को आ गए। टिचुम टिचुम यहाँ पे टिचुनिया भाग रहा है। और रिंकू तुम्हारी सासू माँ के लिए ढिचणिया लाए और झारा लाए। मस्त मस्त। तो भाई मस्त कुंडला जाके आए। वहाँ पे सब से मिले हमारे मामा, सब मामाओं से। और मैं अकेला भाणा था उधर। तो किंजल मेरे भाणा का तो वैल्यू क्या था। लो सब लोगों ने भाणा भाणा कर रहे थे। लड़ाई करते हैं। अरे मेरे को तो बहुत प्यार देते हैं। आप इतने नटखट इसलिए सबको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ऐसा है, वो तो है भाई। यहाँ पे मस्त बैटर बन गया है अभी। आपकी देर थी। अच्छा ढोकला भी यहाँ पे रेडी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोथमी। यहाँ पे है मस्त मकाई, लौकी। कब से की है इसलिए थोड़ी। हाँ और यहाँ पे है मिर्ची, अदरक। तो सब रेडी होता जा रहा है। चलिए के बाद एक डाल देते हैं। ओके तो अभी ये डाल देते हैं मिर्ची। वाह, तो अब भी घर पे जब कभी ढोकला बनाना है तो इस तरह। और इसके बाद हम डालेंगे मक्का का दाना। ये बहुत ही मस्त लगता है ढोकले में। तो खाटिया ढोकले में अभी हमारा चने की दाल है। धनिया डाल दिया। चने की दाल बहुत ही बढ़िया लगती है ना। वाह अभी इसको मिक्स कर देते हैं। मिर्ची पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड कर देते हैं क्योंकि बहुत ही मिर्ची है ना थोड़ी। हाँ उसके बाद अभी क्या डालेंगे? धनिया जीरा पाउडर। ओके धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और क्या क्या डालेंगे देखो देखते जाओ। अच्छा जाओ। और इसके अंदर डालेंगे शक्कर क्योंकि थोड़ा खट्टा है ना। हल्दी भी डाल दिया। ये हमारी केसर सेलम हल्दी है जो आपको हम भेजने वाले हैं। तो ये है जीरू। और अभी हम डालेंगे लौकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने सब डाल दिया है। तो अभी मिक्स करेंगे अच्छे से।
तो देखो कलर तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है डेकोरेशन जैसा। वाओ। और यहाँ पे रूही आ गई है। रूही हेलो। हेलो। क्या खाने आज? आज ढोकला। ढोकला खाना चाहिए। और यहाँ पे कियान भी आ गया है। अरे वाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बैटर हो चुका है रेडी और बहुत ही मस्त दिख रहा है और अच्छी वाली स्मेल आ रही है। और यहाँ पे देखो मैंने पानी भी रख दिया है तवे पे। सब लोग आ गए हैं। गए थे दर्शक सब अभी आए हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि क्या है कि वो गए थे ना बाहर तो बोले कि मैं आने के बाद शूटिंग करना है सब तो रेसिपी देना है सबको इसलिए शूट मत करना इसलिए थोड़ा लेट हो चुका है तो अभी फटाफट मैं रेसिपी दी है। यहाँ पे देखो प्लेट रख दिया है तो अभी हो जाएगा रेडी थोड़ी ही देर बाकी है। और यहाँ पे देखो रिंकू दीदी आ गए है खाना खाने के लिए किचन में लेकिन अभी नहीं हुआ था तो बाहर चले गए। हम तो आटा ही मार रहे थे। यहाँ पे देखो गौणी आ गए है बहुत सारे और पूनम भाभी ने बनाया है उसको क्या है कि सब आता है सिलाई करना तो बहुत सारा आया है तो पूनम भाभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी बजे सुबह के 12:30 और मैंने अभी बनाया ढोकला। अभी ढोकला की प्लेट रेडी हो जाएगी थोड़ी देर है अभी। हमारा ढोकला हो गया रेडी तो सबको अभी बुलाते हैं कि खाना खाने के लिए आ जाओ किचन में। तो यहाँ पे रूही तो आ गई है कब से आ गई है रूही को क्योंकि ढोकला रूही को बहुत पसंद है या खाने से पहले। तो ढोकला हो रहा है और यहाँ पे देखो खाना चालू हो गया है। कैसा बना बनाया सच में मत पूछो सच में सच में मुँह चल रहा है। तो यहाँ पे देखो सब खाना खाने बैठ गए हैं और ढोकला बहुत अच्छा बना रिंकू दीदी ऐसे बोल रहे हैं। कैसा बना रिंकू दीदी एकदम वो भाई पापा बहुत सरस तो वांधन रूही तने रूही तो बोलते नहीं एटला ने भावे छे ने तो वाडा भरू जे जे बोलवा टाइम मत दत रूही ने। और यहाँ पे देखो हमारा गट्टू खेल रहा है कियान ए कियू क्या करे छे ये बे 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 तो कियान चला अंदर कियान चला अंदर चलो चलो यहाँ पे ढोकला मस्त कटिंग करके किंजल ने अलग अलग वाह पतला पतला सा मस्त बनाया है। दोपहर के बाद 5:30 बजने को आया यहाँ पे। माँ बेटी मस्त झुल्लम झुल्ली हो रही है झुल्लम झुल्ली और बारिश आना हो गई है शुरू। आप देख सकते हो मस्त गीला गीला मौसम होता जा रहा है और ऊपर देखो बादल से पानी भरपूर प्रमाण में भरा हुआ है। बस नीचे गिरे उतनी देर है और काफी गांव में पानी नीचे गिर चुका है और बरस चुका है और गीला गीला कर दिया है मतलब आसपास में गांव में बहुत ज्यादा बारिश गिरी है और यहाँ पे आने की तैयारी संभावना पूरी है। बादल आप देख सकते हो कितना मस्त गहरा चल रहा है और यहाँ पर ये सब लोग सोए हुए हैं बच्चे पार्टी देखो पूरा दोपहर जग रही है सोई नहीं है नहीं सोई उससे मैं ट्राई करूँ सो जाए लेकिन सोती नहीं है सो गई लेकिन छोटी नहीं सोई लाइट चली गई है ना लाइट चली गई हाँ इसीलिए बाहर सब लोग बैठे है अभी। चलिए तो भाई मस्त मौसम है अभी कियान रो रहा है थोड़ा थोड़ा और मस्त बादल छाए गए हैं। पैकिंग जल दूधी लेके आई है सब्जी बनाने वाली हो यस रूट फ्लावर्स कैसा है बाकी किंजल मौसम कैसा है तो बहुत ठंडा है अभी तो हाँ मस्त मौसम है ना तो यहाँ पे कियान मस्त खेल रहा है देखो मस्त ठंडा ठंडा पवन है इसलिए सब लोगों को टोपा पहना दिया है। क्या सर्दी बर्दी लगे नहीं है ना रिंकू कियान का मुंह है ना मेरे पापा के जितना है तो पापा का टोपा हो गया इनको पता नहीं चलता टोपे में वो है कि उनमें टोपा है ए चकली और इसको भी टोपा पहना दिया देखो तो यहाँ पे कियान ने मेरे पापा का टोपा पहना है ठंडा मौसम है इसलिए क्यों बाना फोन करो तो तो यहाँ पे मस्त बटाटा और लौकी की सब्जी यहाँ पे बघार जल चुका है या फिर रेडी हो रहा है हो रहा है आ
नहीं रहती ना इसलिए ये क्यों नहीं रहती। तो तुम कितना करोगी, इसको संभालोगी और क्या करती जाओगी? सब करूंगी। माँ अन्नपूर्णा ऐसा विरोध दिया है सब लोगों ने सिंजल को, माँ अन्नपूर्णा। तो ये है हमारे घर की माँ अन्नपूर्णा, लोगों ने इसको विरुद्ध दिया है। बहुत सारी महिलाओं की कमेंट आई थी कि किंजल माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पूरे घर को इतना संभाल के रखती है, खिलाती है पिलाती है और उसके साथ खुश रहती है, सबको एक करके रखती है। बहुत सारी कमेंट आप सबकी आती है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और काफी लोग तो ऐसा बोला कि ये लड़की गाँव में क्यों रहती है, क्योंकि ऐसी लड़की तो गांव में नहीं रहेगी, गांव छोड़ के सिटी में चली जाएगी, हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम तो इतना सहन नहीं कर सकते। मतलब भाई सहन करोगे तो कुछ पाओगे, ऐसे कुछ नहीं मिलता। मैंने अपनी लाइफ में 15 साल बिजनेस के लिए सहन किया, ये किचन में सहन करती है, तो जितना सहन करते जाओगे आपका आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हर तो कुछ नहीं है, हम जब शादी करके सूरत गए तब तो कितना मतलब बहुत डिफिकल्ट समय था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट। हाँ। कि भाई कल का सोच के हम आज परेशान होते थे क्या होगा। हाँ। तो फिर भी हम समय निकालते थे तो सूरत का, हम जब पहले का सोचते हैं ना तब लगता है नहीं अभी बहुत शौक है घर पे। हाँ, ऐसा लगता तो है। ऐसा है तो क्या है पता है, गाँव में या सिटी में जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ मुझे अच्छा लगता है, वो बात अच्छी है। गांव में रहेंगे तो गांव में भी मुझे अच्छा लगेगा, सिटी में जाएंगे तो सिटी में। मैं तो सूरत में गया ना तो मासी के घर एक बहन आए, वो बोले हमारे घर से सब लोग जाए और मैं अकेली रहूं तो मुरे को मजा आ जाए। फनी थे वो लोग, मतलब वो बहन, वो बोले सब लोग जाए तो मेरे को अच्छा, मैं तो कंटाल गई हूँ। मैंने कहा ये कंटाल जाएगी तो क्या संसार चलाएगी। कैसा है भाई किचन का माहौल है अभी? आज बाजरा का रोटला और दूधी बटेका के साग में चोड़ के साथ में काकड़ी, दर्शक बहुत भूख लगी, कब से बोल रहे हैं कि तुम फटाफट खाना बनाओ फटाफट खाना बनाओ। क्या है खाने का अभी, क्या मज़ा आ जाता है जब भी खाने का नाम पड़ता है ना, संभालते हैं। लाओ लाओ भाई, अब हमारा ये क्या है नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे हम। अभी आज रात में होली प्रगट चुकी है और हम सारा परिवार जा रहे हैं होली का दर्शन करने के लिए, तो खास आइए, इस तरफ है कनाडा वासी, इस तरफ है सूरत वासी उर्फ जयपुर। तो आइए हम सब चलते हैं, रूही भी रेडी हो चुकी है। रूही कहाँ जाना है? होली दर्शन करने के लिए। ओके चलिए मजा आएगा, ठीक है मजा आएगा, मौज करना। क्या है चकला को? बाप बाप बाप। तो कनाडा वासी भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, मजा आएगा। पहली बार 3 साल के बाद होली दहन यहाँ पे करके जाएंगे, नहीं मोना पहली बार देखे है ना, फर्स्ट टाइम। चलिए चलिए चलते, बाबू तुम्हें आओ जो ना, आलो आलो चलता ये होली दहन के लिए। पापा से पूछते हैं कि होली का दहन मतलब किस तरह हुआ। होली मा तो हूं छे हिरण्यकश्यप થઈ ગયો ને, અને શરૂઆતમાં શંકર દાદાનો બહુ મહાન તપ કર્યો એટલે એને અમરપટ આપી દીધો, એટલે અમરપટ આપ્યો એટલે એનો અભિમાન વધી ગયો, એટલે હિરણ્યકશ્યપ નો છોકરો પ્રહલાદ 5 વર્ષનો હતો, એ ભગવાન નું નામ લે, એટલે હિરણ્યકશ્યપ કહે ભગવાન હું જ પોતે છું, ભગવાન બીજું કોઈ છે નહીં, એવી રીતે કરીને અને પ્રહલાદ ને અંદર પેલા શારે કોઈ લાકડા ખડક્યા ને અંદર રાખ્યો, એ કે આપડે પ્રહલાદ ને બાળી દેવો છે, એ કે ભગવાન નું કોઈ નામ નહીં મારું જ નામ લેવું છે એમ, એને એવું હળગાવ્યો અને જે એની ફાઈ હતી ને એ ચૂંદડી એની એવી હતી ને એમાં હાસ હતો, એટલે ઓઢીને બેન એટલે એની ફાઈ ન બળે અને પ્રહલાદ બળી જાય એને કાવતરું રચ્યું, વિષ્ણુ ભગવાન એની ભક્તિ કરી એટલે એને એની સહાય કરી પ્રહલાદ ની, એની ફાઈ બળી ગઈ ચૂંદડી ઓટોમેટિક ઉડી ગઈ અને પ્રહલાદ નો વાળ વાકો નોખ્યો, એટલે આ રાણે હોળી નો ઉત્સવ ઉજવાય છે જોરદાર આખી દુનિયામાં। જય સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ ભાઈ, બહુત હી બઢિયા બહુત હી મસ્ત। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અભી હોલી દહન કરકે આ ગયે ઓર કલ સબ परिवार मिलके होली खेलेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा और धाम धूम से आप सबको दिखाएंगे, आप सबको दिल से हैप्पी होली, आप सबके घर पे आगे का जीवन मस्त हो मजे वाला हो। तो कल हम खेलेंगे होली किंजल के साथ,
पापा के, रूही, रिंकू, सब, कियान, बच्चे धमाल मस्त के साथ हमारा ग्राउंड में खेलेंगे मस्त होली, तो आपको भी एंजॉय करवाते रहेंगे। पिछले साल भी हमने कुछ ऐसी ही होली खेली थी, बहुत मजा आ गया था। इस साल भी कुछ ऐसे ही मस्त होली खेलेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो बस आज का गुड नाइट यहीं पे करते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।